स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल मेडिसिन नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटिंजा टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे इस टैबलेट के बेनिफिट्स, यूज, डोज एवं साइड इफेक्ट के बारे में। उससे पहले दोस्तों दवाइयों के बारे में जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल आइकन वाली घंटी को भी दबा दें जिससे आपको लगातार नई नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों प्लेटिंजा टेबलेट जिसे हिमालया वेलनेस कंपनी बनाती है, जिसकी 20 टेबलेट की प्राइस 150 रुपये होते हैं, जिसे आप आसानी से किसी भी केमिस्ट शॉप से या मेडिकल स्टोर से इस टेबलेट को खरीद सकते हैं। दोस्तों इस टेबलेट प्लेटिंजा के अलावा अन्य पॉपुलर ब्रांड के बारे में बात करें तो इस टेबलेट के अन्य पॉपुलर ब्रांड हैं कैरीफिल टेबलेट, कैरीपाया टेबलेट तथा कैरीपॉप टेबलेट इत्यादि पॉपुलर ब्रांड से भी आप इस टेबलेट को खरीद सकते हैं। दोस्तों इस टेबलेट में उपस्थित कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इस टेबलेट में उपस्थित आयुर्वेदिक कंपोनेंट हैं गुडुची, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, तथा मरीचा जो एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी रखता है, तथा पपाया जो एंटी डेंगू प्रॉपर्टी रखता है, इत्यादि कंपोनेंट को मिलाकर इस टेबलेट को तैयार किया गया है। दोस्तों इस टेबलेट के यूज़ के बारे में बात करें तो ये टेबलेट हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी को दूर करता है और प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। दोस्तों जब हमें मच्छर की काटने की वजह से या अन्य किसी कारण से डेंगू हो जाते हैं तो हमारे देखने को मिलता है कि हमारे प्लेट्स लगातार कम होते जाते हैं, तो उस कंडीशन में इस टेबलेट को लेने से प्लेटलेट्स की कमी को दूर किया जा सकता है तथा प्लेटलेट को कम हुए प्लेटलेट्स को नॉर्मल रेंज में लाया जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों ये बुखार को भी कम करने में मदद करता है। उसके अलावा दोस्तों ये टेबलेट हमारे पाचन क्रिया को भी इम्प्रूव करता है, जिससे खाना वगैरह जल्दी पच जाते हैं और पेट सही से काम करते हैं। उसके बाद दोस्तों इस टेबलेट में यह भी गुण होते हैं कि इस टेबलेट में प्लेट्स की कमी की वजह से है, जब हमें चोट लग जाते हैं तो ब्लड रुकता नहीं, तो इस टेबलेट को देने से प्लेटलेट्स की कमी को दूर करके चोट लगने से ब्लड बहने को रोका जा सकता है। उसके बाद दोस्तों ये टेबलेट हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। दोस्तों प्लेटलेट्स हमारी बॉडी की एक सेल है, जो चोट लगने के कारण ब्लीडिंग नहीं रुकती, उसको भी ये टेबलेट को देकर रोका जा सकता। तो ये था दोस्तों इस टेबलेट के यूज़ के बारे में जानकारी। दोस्तों इस टेबलेट का मुख्य काम खून में प्लेटलेट्स की कमी को दूर करना तथा प्लेटलेट्स को बढ़ाना है। दोस्तों इस टेबलेट के डोज के बारे में बात करें तो एडल्ट व्यक्ति में इस टेबलेट को 1 से 2 टेबलेट दिन में 2 बार खाने के बाद यूज में दिया जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों डोज डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। दोस्तों प्रिकॉशन के बारे में बात करें कि किन लोगों को इस टेबलेट से सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं, तो दोस्तों जो प्रेगनेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिला है उसको इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। उसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उन लोगों को भी इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता, या जिन लोगों का प्रोस्टेट में इनलार्जमेंट या उसमें कुछ दिक्कत रहता है उन लोगों को भी इस टेबलेट को नहीं दिया जाता, वरना प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों जो लोग ब्लड थिनर मेडिसिन यानी खून को पतला करने वाली टेबलेट खाते हैं उन लोगों को भी इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता। दोस्तों लास्ट में साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो वह चूंकि दोस्तों ये एक हिमालय का आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इस कारण इस टेबलेट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी इस टेबलेट को लेने के बाद यदि आपको मतली, उल्टी, घबराहट, बेचैनी, हेडेक, गैस, अपच, पेट दर्द, सिर दर्द, खुजली, लालचकत, ऐसा कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा हो तो आप इस टेबलेट को यूज में लेना बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो यह था दोस्तों प्लेटिंजा टेबलेट के बारे में जानकारी। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको लगातार नई नई वीडियो मिलती रहें। शो धन्यवाद दोस्तों।